हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम कोई शेयर बाय करने जा रहे हैं और वहाँ पे कोई सेलर ही ना हो, और अगर जिस स्टॉक को हम सेल करने जा रहे हैं वहाँ कोई बायर ही ना बचे, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं दोस्तों अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। सो इस वीडियो में मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, डिमांड एंड सप्लाई से। ओके, किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए डिमांड होती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज सप्लाई प्रोवाइड करती हैं, ब्रोकर सप्लाई देती है, यानी कि स्टॉक्स आप शेयर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं जिसको लोग खरीद सकते हैं। और एक और खास बात, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि हिस्सेदार, यानी कि बहुत लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मार्केट में। FII, DII, देन आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, देन बहुत सारे इस तरह के होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, FII, DII, NII, जैसा कि आपने सुना होगा। सो अगर आपको मैं बोलूँ कि एक कंपनी है, कोई भी एक्स कंपनी है जो कि बहुत बड़ी है, बहुत फेमस है, बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन है उसका और स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करती है। अब एक छोटी कंपनी है, उस कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला हो एक वाई कंपनी को। ओके, एक वाई कंपनी है जिस पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला हो सकता है कि एक्स कंपनी है एक अच्छा ऑर्डर दे रही है, बहुत एक किसी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर दे रही है वाई कंपनी को। सो ये वाई कंपनी के लिए बहुत अच्छी एक डील हुई और जिसे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। सो जैसा कि स्टॉक मार्केट में डेली करोड़ों शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं करोड़ों शेयर्स का। ओके, सो पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम बात करें तो उसमें भी लाखों और करोड़ों में शेयर्स ट्रांजेक्शन होते हैं, बाय सेल होता है मार्केट में। तो यदि ऐसी न्यूज़ आपको पता चलती है, नॉर्मली आपकी अगर मैं बात करूं, आपको ऐसी न्यूज़ पता चलती है कि इस कंपनी ने, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को एक ऑर्डर दिया है इतने सारे प्रोडक्ट का, तो ये वाई कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ हुई। सब जानते हैं, आप जानते हैं, FII जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जानती हैं, सब जानते हैं कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सो आप क्या करोगे, आपको पता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस जो है बढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से बढ़ने वाले हैं। सो आप प्रॉफिट करने के लिए जल्दी से कम अभी जो रेट चल रहा है उस पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीदना चाहोगे। ओके, आप हो सकता है कि खरीदते खरीदते इतना खरीद लो, आप घर बेच कर सब कुछ खरीद के जितना हो सके पैसा इकट्ठा करने के बाद आप उस कंपनी के जितने शेयर्स अवेलेबल हो सब खरीदने की कोशिश करो। आप ही बस नहीं, जितने लोग और पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में सबके सब खरीदने की कोशिश करेंगे। सो जिससे होगा क्या, जितने अवेलेबल शेयर्स नहीं होंगे उस स्टॉक के एक्सचेंज में, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे ऑर्डर लगा देंगे उसको खरीदने के लिए। सो क्या होता है, इस वक्त जब शेयर्स बचते ही नहीं हैं बिकने के लिए, कोई बेचना नहीं चाहता, सब चाहते हैं खरीदना, और सेलर्स जो है एकदम कंप्लीट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इस वक्त लगता है अपर सर्किट। ओके, इसी को बोलते हैं अपर सर्किट। और सिमिलरली इसका उल्टा, मान लीजिए आपको पता चलता है कि ये जो एक्स कंपनी है, ये जो न्यूज़ चल रही है ये झूठी है, यानी कि कोई इसको ऐसा ऑर्डर नहीं मिलने वाला है, उल्टा उस कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ और ये रिपोर्ट जो है लॉन्च हो गई। ओके, मान लीजिए उसका रिजल्ट आ गया उस कंपनी का और वो जो है बहुत नेगेटिव में है, अब क्या होगा, सेंटिमेंट सबके बदल जाएंगे। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट से काम करता है, यानी कि लोगों के सेंटिमेंट्स में काम करता है, ग्रीड, ओके, फियर, और इन सब से काम करता है। तो आपको भी बस नहीं, सबको ये पता है कि इस कंपनी को लॉस हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट जो है सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबके दिमाग में आ चुका है। अब सब जो है उस कंपनी के शेयर जिसके पास होंगे वो सब बेचना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे। कौन रखता है, घर में कचरा आप रखते हैं, वो भी आप एक दो दिन में आप घर से बाहर डिस्पोज कर देते हैं, निकाल देते हैं। सो खराब स्टॉक्स को कौन रखना चाहेगा अपने पोर्टफोलियो पे। ओके, सो तब ऐसी हालात में क्या होता है, ऐसी हालात में सब जो है बेचने में लग जाते हैं, पूरी दुनिया बेचने पर लग जाती है, मतलब दुनिया सॉरी, हम लोग अगर इंडियन मार्केट बात करें तो पूरा इंडिया जितने इन्वेस्टर्स हैं जिसके पास वो शेयर्स हैं उस कंपनी के, वो सब बेचने लगते हैं। तो ऐसे हालातों में खरीदने वाला कोई नहीं बचता, बायर बचते नहीं, खत्म। सो मार्केट उस हालात में लोअर सर्किट मारता है। ओके, यानी कि अब ये सर्किट क्या है, ओके, मतलब ये तो आपको पता चल गया कि अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा।
तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, एक ही दिन में ये जो जितना भी मूव करना हो, कितना भी मार्केट गिरना हो, कितना भी मार्केट चढ़ना हो, वो एक ही दिन में बहुत हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, एक ही दिन में स्टॉक जो है अगर 100 रुपये का है तो अगर नेगेटिव न्यूज़ फैली तो वो तुरंत जा सकता है नीचे 50 रुपये, 40 रुपये, जितना गिर सकता है वो गिरेगा। ओके, सो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। सो इसी को रोकने के लिए, इन्वेस्टर्स का पैसा बचाने, सेव करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए एक सर्किट्स इजाद हुआ, सर्किट्स बनाए गए। ओके, अब ये सर्किट्स क्या होते हैं? तो सर्किट दोस्तों होते हैं कि एक लिमिट होती है, सर्किट एक लिमिट टाइप की होती है कि एक दिन में स्टॉक इतने परसेंट से ऊपर या नीचे नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर स्टॉक 100 रुपये का है और इसका जो लिमिट है वो 5% की लगाई गई है, तो इसका मतलब आज स्टॉक 100 रुपये से 105 रुपये ऊपर जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। सिमिलरली वो गिरना है, अगर लोअर सर्किट लगना है, यानी कि मार्केट को जितना हो सके वो गिरे, तो वो हो सकता है सिर्फ 5%, यानी कि 95 रुपीज़ ही गिर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेट आज जो है 95 जाएगा नीचे। ओके, सो इस कंसेप्ट को आप समझ गए, बट इसको हम और अच्छे तरीके से आगे समझते हैं। बट उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो लिमिट्स होती हैं ऊपर नीचे मूव करने के लिए, ये किसी के लिए 5%, किसी के लिए 10%, किसी के लिए 20%। ओके, सो ये लिमिट जो है ये अलग अलग होती है अलग अलग स्टॉक्स के लिए, मतलब डिफाइन की जाती है सेबी के द्वारा। ओके, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इसको रेगुलेट करता है, ऑब्वियसली वही इसको रेगुलेट करके, यानी कि उसका जो सर्किट्स है वो डिफाइन करेगा। सो अब मैं इसको आपको लाइव, मतलब एक्चुअल जो अभी स्टॉक मार्केट में चल रहा है उससे रिलेट करके मैं आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा दोस्तों स्क्रीन पे, तो मेरे साथ आ जाइए आप जल्दी से स्क्रीन पे। सो यहाँ पे मैंने अपना दोस्तों खोल लिया है अपना अकाउंट, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। सो इसमें जो है कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट मैक्सिमम मैंने देखे हैं लगते हुए, सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल सुजलॉन और श्रीनिक, ये दोनों जो हैं जिसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट मतलब बहुत आमतौर पर लगते रहते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको सुजलॉन का आपको मार्केट डेप्थ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा प्लेटफॉर्म जीरोधा का है, और अगर आपके पास जीरोधा का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ईजी और कम्फर्टेबल, इसके बहुत सारे और एप्लीकेशन जो आप यूज कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाना है, सो इसकी डायरेक्ट जो ओपनिंग लिंक है अकाउंट की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली ये हो गया जीरोधा के लिए, आपके पास हो सकता है कि अलग कोई प्लेटफॉर्म हो, अलग ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट हो, सो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो आप यहां पर देख सकते हैं, ये होता है बिड साइड, ये होता है ऑफर साइड। बिड साइड में क्वांटिटी होती है बाय करने के लिए, यानी कि जो बोली लगाते हैं लोग कि किस रेट पर हम खरीदेंगे, और ऑफर प्राइस में होता है किस रेट में लोग बेचेंगे। ओके, सो यहां पर आप रेट देख सकते हैं इसका, 12.92 रुपीज इसका रेट चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाइए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोअर सर्किट है 11.73 का, और जो अपर सर्किट है वो है 12.95 का। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, ये स्टॉक जो है आज अभी शाम हो रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज जो ट्रेडिंग चली है, पूरे दिन भर ट्रेडिंग इसकी चली है, उससे ये दोस्तों थोड़ा सा, यानी कि 0.3 पैसा, समथिंग 3 पैसा जो है वो बच गया, नहीं तो इसमें अपर सर्किट लग जाता। कैसे? 12.92 इसका रेट चल रहा है, यानी कि आज क्लोजिंग 12.92 रुपीज़ की हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट क्या लिखा हुआ है, 12.95 रुपीज़। सो 12.95 का इसका अपर सर्किट, यानी कि अगर रेट जो है 12.95 हो जाता 12.92 से, सो यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग आज के लिए ट्रेडिंग इसमें बंद हो जाती, यानी कि आज इसमें कोई भी और नहीं खरीद सकता था और बेच सकता था कि नहीं, इसका एक हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसको अभी खरीद कोई नहीं सकता था, 12.95 रेट होने के बाद इसको आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि सर्किट अपर लग चुका है। सिमिलरली यदि ये स्टॉक सुजलॉन आज अगर 11.73 रुपीज चला जाता इसका रेट नीचे, सो यहाँ पे लोअर सर्किट लग जाता और यहाँ पे इस स्टॉक से निकल कोई नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ हूँ, मेरे पास इसकी अगर 500 क्वांटिटीज अभी हैं, ऑब्वियसली हैं, और अगर इसमें लोअर सर्किट आज लग जाता सो मैं इसमें एग्जिट भी नहीं कर पाता। हालांकि कुछ तरकीब है जिससे आप एक दो दिन के अंदर निकल सकते हो, हाथ धो बैठ सकते हो इससे, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे, मेरे मिल जाएगी। ओके, सो ये हो गया आपका, मैंने एग्जांपल बताया कि अगर इसका रेट इतना हो जाता तो अपर सर्किट लग जाता और लोअर लग जाता अगर इतना होता, पर एक्चुअल जो हुआ है आज वो मैंने दो स्टॉक, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट मैंने दो स्टॉक्स आपके लिए निकाल के आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला है रामा स्टील, जिसमें 5% का, जैसा कि मैंने बताया था, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20% सर्किट जो है लग सकते हैं।
ओके सो रामा स्टील में लोअर सर्किट लगा है और आप देख सकते हैं इसमें 5% गिरावट है, लेकिन अब ये जो है शाम हो रही है तो अब ये जो है सर्किट इसके कल के लिए रिफ्रेश हो गए होंगे। तो मैं यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप आज पूरे सेलर्स ही सेलर्स हैं, आज जो है मतलब सेलर्स ओवर थे, बेचने वाले ज़्यादा थे और बायर्स जो है एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए थे, इसलिए यहाँ से बायर जा चुके हैं, जीरो हैं और यहाँ पे सेलर्स आप देख सकते हैं 3200 बचे हुए हैं क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज हैं शेयर्स की। ओके नाउ यहाँ पे देख सकते हैं अपर सर्किट 369.15 और लोअर सर्किट है 334.05। तो अभी रेट क्या चल रहा है, आज की क्लोजिंग का रेट क्या है 351.60 रामा स्टील का आप रेट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, कल फिर से लिमिट लग जाएगी 5% की, कल फिर से 5% की लिमिट है, यानी कि कल जो है ये चाहे 5% की हो चाहे कितने भी मतलब 10 भी हो सकती है 20 भी, वो डिफाइन करता है आपका सेबी, बताएगा सेबी जो है इसके लिए सेट करेगा कि कितना इसके लिए बनेगा। सो आप देख सकते हैं कल के लिए, कल अगर ये रेट जाता है 369.15 तो अपर सर्किट लग जाएगा, और अगर वहीं पे 334.05 हो जाता है तो लोअर सर्किट लग जाएगा। इसको अब हम चार्ट में अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं इस तरह से बुल रैली मच किए हैं, मतलब लोग यहाँ बाय करते गए अपर सर्किट लगते गए और बाय करते गए, लोग खुशहाली में पूरी दुनिया मतलब पूरी इंडिया खरीद रहा था, जो जो स्टॉक को रखा है सब खरीदने में लगे हुए थे। पर जब कोई बड़ा प्लेयर इसमें बेच के निकला, बड़ी क्वांटिटी बेच के निकला, एकदम सेलर्स सप्लाई इतनी बढ़ गई कि डिमांड की कोई कदर नहीं रही, सप्लाई इतनी बढ़ गई कि डिमांड जो है जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो गए। सो आप देख सकते हैं कि लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए, 351.60 आज रेट चल रहा है, हो सकता है कल फिर से खुलेगा, कल फिर से लोअर सर्किट लगेगा और लोग जो है फंस जाएंगे इसके अंदर। सिमिलरली दूसरा स्टॉक मैंने जो यहाँ पे निकाल के रखा है वो है सलोना, जिसमें अपर सर्किट लगा है वो 20% का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 19.99 लेकिन एक्चुअल 20% ही है। ओके सो ये थोड़ा बहुत चलता है, यहाँ पे अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो आप ये देख सकते हैं डेली कैंडल इतनी इसकी इतनी बड़ी बनी है, यानी कि एक रेंज होता है अपर सर्किट लोअर सर्किट, एक रेंज होता है जिसमें आज मार्केट ट्रेड करेगा। ओके इसी को बोलते हैं प्राइस बैंड। ओके जिस एक प्राइस होगा जितना हो सके ऊपर जाने के लिए, एक होगा जितना जाए नीचे जाने के लिए। सो नीचे जाने के लिए लोअर सर्किट, ऊपर जाने के लिए अपर सर्किट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए जो रेंज डिसाइडेड थी वो इसने लांग थी, यानी कि 20% दोस्तों ये मूव कर गया ये स्टॉक आज। सो इसलिए यहाँ पे सर्किट लग गया और ट्रेडिंग बंद हो गई। जैसे ही अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं इन स्टॉक्स में वो बंद हो जाए, ट्रेडिंग बंद हो जाती है, अब नेक्स्ट डे ही ट्रेडिंग इसमें हो सकती है। ओके सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कल के लिए इसमें लिमिट सेट हो चुकी है, अभी रेट क्या चल रहा है 316.95। सो इसमें अपर सर्किट कल के लिए दोस्तों वो हो गया 380.30, यानी कि कल अगर खुलते ही इसका प्राइस 380.30 हो जाता है तो यहाँ पे अपर सर्किट हो जाएगा, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, इसके अंदर फिर से ट्रेडिंग रुक जाएगी। ओके सिमिलरली लोअर सर्किट जो है लग जाएगा 253.60 अगर इसका रेट आता है तो। अब मैं आपको इसी में एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम का, यदि मैं इसको 30 मिनट का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पूरे दिन ट्रेडिंग हुई ही नहीं, पूरे दिन ट्रेडिंग हुई ही नहीं, क्योंकि 20% जैसे ही हिट होता है, 20% जैसे क्रॉस कर लिया लिमिट वो सर्किट लग गया और वहाँ पे ट्रेडिंग बंद। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन यानी कि ट्रेडिंग लंबी होनी चाहिए थी लेकिन आज वो जल्दी क्लोज हो गया। और यदि मैं बात करूँ 10 मिनट की कैंडल की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 11:45 पे यहाँ पे सर्किट लग चुका है कंप्लीटेड, 20% जो है इसका कंप्लीट हो गया लिमिट और ये जो है अपर सर्किट लग के मार्केट बंद हो गया, सॉरी मार्केट बंद नहीं हुआ, यहाँ पे इस स्टॉक का जो है लिमिट खत्म, तो ये स्टॉक जो है मूव करना ट्रेड होना बंद हो गया। सो यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता क्या है और क्यों होता है, क्यों होता है बहुत ही ईजी है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सप्लाई के मुकाबले तो अपर सर्किट लग जाएगा, वहीं अगर सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई तो वहाँ पे लोअर सर्किट लग जाएगा। और इनको जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और कौन सेट करता है इनकी डेली लिमिट्स, सेबी। ओके जो कि एक्सचेंज से कनेक्टेड रहता है और एक्सचेंज जो है ऊपर नीचे के लिए करता रहता है। और ये किसके बेसिस पे होता है, वॉलिटिलिटी, कितनी वॉलिटिलिटी अवेलेबल है मार्केट में आपके स्टॉक में, उसके हिसाब से ये लिमिट सेट की जाती है। बड़े स्टॉक्स के लिए जो कि बहुत बड़े कैपिटलाइजेशन होती है कंपनीज का, उनके लिए लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इसलिए उसमें लिमिट भी ज़्यादा लगाई जाती है। वहीं पैनी स्टॉक्स के लिए जनरली आपको 5% देखने को मिलता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। सो बहुत सारे स्टॉक्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं लगते, तो जिसमें नहीं लगते वो कौन से हैं, वो डेरिवेटिव जो ट्रेड होते हैं FNO में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड होते हैं उसमें नहीं लगता अपर सर्किट और लोअर सर्किट, बस उसमें हाँ अगर अचानक से बहुत ज़्यादा मूव आ जाता है तो थोड़ा टेम्प्रोरी फ्रीज होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस के, जो कि जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया कि क्या आप लोअर सर्किट में शेयर्स खरीद सकते हैं,
वो स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ऑफकोर्स आप खरीद सकते हैं क्योंकि लोअर सर्किट का मतलब होता है वहाँ पे बायर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो गए हैं, और वहाँ अगर आप बायर बन के जाते हैं सो ऑब्वियसली आपको जल्दी से शेयर्स मिल जाएंगे, जितना अच्छा प्राइस मिलेगा आपको तुरंत आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं लोअर सर्किट में, क्योंकि वहाँ पे शेयर्स ही शेयर्स हैं, मतलब बेचने वाले बहुत सारे हैं पर खरीदने वाला कोई नहीं है, और वहाँ पे अगर आप खरीदने वाले बन के जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो शेयर मिल जाएंगे। सिमिलरली अपर सर्किट में आप अगर बेचना चाहते हैं तो तुरंत बिक जाएगा। अब आप मुझे खुद मतलब खुद आप सोचिए, जब पूरा लोग जो है सबके सब खरीदने में लगे हुए हैं, ओके सब खरीद रहे हैं और आप भी वही चीज़ बेचना चाहते हैं, आप अगर बेच रहे हैं तो आपके दुकान में भी कोई ना कोई तो आएगा, ऑब्वियसली भीड़ लगी होगी, सब हर जगह हर दुकान में भीड़ लगी हुई है, आप भी वही रेट वही क्वालिटी वही चीज़ दे रहे हो तो कौन नहीं खरीदेगा आपसे। सो सिमिलरली तुरंत आप जैसे ही आप अपर सर्किट में सेल करोगे तुरंत सेल हो जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी बन जाएगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट ये कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चैनल पे और इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है स्टॉक मार्केट में। ओके सो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।